रुचि लोमड़े तेरा टिफिन। अरे अश्विनी तू कहीं जा रहा है क्या? शॉर्ट पैंट पहना है तूने? नौकरी ढूंढने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा ना मम्मी, पर उससे पहले थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च कर रहा हूँ। टिफिन लेके जाना। बहाने कही, तेरी कुर्ती तो बहुत सुंदर लग रही है रे। डैड ने दी। अच्छी टिफिन। राशि कॉलेज में अच्छे कपड़े पहन कर जा रही है, तो आप क्यों पीछे हटोगी? आपके लिए ये न्यू ड्रेस, फटाफट चेंज करके आई है। ड्रेस? अरे साड़ी में क्या बुराई है? आपने कहा था ना कॉलेज में ड्रेस पहन के जाओगी, बस तो तैयार होकर दिखा। वो तो मैंने जींस पैंट से बचने के लिए कहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, फटाफट चेंज करके आई, मुझे देख रहा है। मम्मी प्लीज। अरे 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 पागल है क्या? बंद करो बंद करो। वाओ बहुत सुंदर लग रही है मम्मी। कुछ तो अलग है। हाँ? In a good way. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मुझे जबरदस्ती ऐसे कपड़े पहनाएगी। मैंने भी सपने में कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास स्कूल और कॉलेज जाएगी। अब बहुत प्यारी लग रही हो माँ। अरे हाल हाल अभी प्यारी वाली, जैसी हूँ वैसी तो लगूंगी ना। नहीं मम्मी, तू बाहर से जितनी सुंदर है उतनी सुंदर अंदर से भी है। द मोस्ट ब्यूटिफुल सोल। इतने समय से हमारे परिवार पे जो ग्रहण लगा था ना, वो हाथ छट गया। अब जाके पूरा हुआ मेरा परिवार। जय अंबे कलावती बेन, 100 वर्ष उम्र छे तुम्हारी, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। पटोड़े का डिजाइन इतना अच्छा बना ना, इतना मस्त कि आप खुश हो जाएंगी देखकर। अरे वाह, तो आज ही ले आइए ना पुष्पा बेन। अरे नहीं नहीं वो फिनिशिंग टच ना बाकी है, तो मैं कल लेकर आती हूँ। कल पक्का आना, परसों बेटी का बर्थडे है। मुझे याद है आपने बोला था। आजकल आजकल करके बहुत हो गया पुष्पा बेन। देखिए मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है और मुझे पहनना है उस दिन ये पटोड़ा। वो यूएस पढ़ाई के लिए जा रही है, फिर पता नहीं कब साथ में बर्थडे मना पाए। प्लीज पुष्पा बेन। कलावती बेन, आपकी बेटी के बर्थडे तक ना आपको पटोड़ा मिल जाएगा, मैं वादा करती हूँ। ठीक, आपकी बेटी के बर्थडे में अगर ये पटोड़ा आप पहनेंगी ना, तो सब लोग बोलेंगे कि आपने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया ये पटोड़ा बेटी के बर्थडे के लिए। अरे पुष्पा बेन, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप प्लीज जल्दी ले आइए पटोड़ा। जी जी पक्का। जय अंबे। जय अंबे। क्या झूठ बोला है? क्यों रे, पटोड़ा अच्छा नहीं बनाया क्या? 100 वर्ष नहीं उम्र, आपको कॉल करने वाली थी। कॉलेज के लिए तुम लोग बहुत बकवास करते हो। थैला पकड़। मैं क्या बोलती हूँ? नहीं मींस के ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे 5-6 साल उम्र कम हो गई है ऐसा कुछ। अरे मम्मी 5 नहीं 15, एकदम मस्त लग रही है। तो बनता है, रुको फोटो। ये पकड़ना है, ऐसे कैसे खिंचाओ फोटो? बोलो अब ये नया रूप किस लिए? अच्छा नहीं लगा? हो तो ऐसे एकदम फटाकड़ी लग रही है राशि की बड़ी बहन। कुछ ज्यादा नहीं हो गया राशि की बड़ी बहन? अरे दीप्ति लाई मेरे लिए, बोली कि कॉलेज में साड़ी नहीं आप ये पहनना, इसलिए। वो मैं प्रार्थना के लिए उपमा लाई थी, उसे पसंद है ना?
मैं क्या बोलती बापुत्र? तू भी पहना करना कभी कभी जीन्स टी शर्ट, ये क्या? अरे हम लोग ही अपने आप को कुछ अलग कुछ नया करने से रोक देते हैं, पता है? तुमने देखा है कभी अपने आप को? स्लिम, ड्रीम, फिट, लंबा, गोरा, चिट्टा, नॉट सिक, एकदम हीरो जैसे। अगर तू पहनेगा ना जीन्स टी शर्ट तो एकदम चिराग का बड़ा भाई लगेगा। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है तो मैं जाती हूँ। जय अम्बे। देखी तेरी चिबावली सहेली। अरे तारीफ कर रही थी आपकी। अरे क्या पतरा तारीफ? बाप पोतरा की तुलना अपने लफंगे बेटे के साथ कर रही थी। वाईडी। इतना अच्छा लड़का है फिर भी आपके मन लफंगा। ये पुष्पा बोल, ये क्या पहना है? ये मेरी कॉलेज ड्रेस है, मस्त है ना? एक नंबर। अरे सुनना पुष्पा, गौरव जी का फोन आया था। वो इवेंट ऑर्गेनाइजर? हाँ। क्या बोले? अरे बोली था बधाई हो। गोलू क्या चल? रिहर्सल पे गया है वो। अच्छा, ये क्या देख रहा है? ये तो अपने आप गोलू है ना? हाँ। जब मुझे मंदिर में मिला था ना, एक फोटोग्राफर को बुलवा के उसके फोटो खिंचवाए थे। ये फोटो देख के गोलू बहुत खुश होता है। तो ठीक है। हाँ हाँ। अपना गोलू स्विट्जरलैंड जाएगा रे। अरे भास्कर दुबई गया था, गोलू छक स्विट्जरलैंड। हाँ बोल। सुना गोलू, गोलू स्विट्जरलैंड पहुंच गया, शर्म कर। कल से करूंगा पक्का, शर्म भी और काम भी। सुधरेगा तू चला। तुझे लगता है मैं सुधरूंगा? आई होप। तू सोनल बहन से मिला था, तुमने बताया नहीं? तुझे पता चल गया? मनीष भाई का फोन आया था, अच्छा किया तुमने। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। उन्होंने मुझे जॉब फिर से ऑफर भी की थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने पोलाइटली मना कर दिया। तो आगे क्या करना है सोचा है कुछ? दिन भर नौकरी ढूंढूंगा और रात को पढ़ाई। पढ़ाई? कैसी पढ़ाई अश्विन? पढ़ाई एज इन ऑनलाइन कोर्स जैसा कुछ। एडिशनल स्किल पॉलिश हो जाएगा, रेज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा। दुनिया कितनी तेजी से आगे भाग रही है ना, तो हमको भी तो साथ साथ खुद को अप टू डेट करते रहना चाहिए ना। हाँ वो तो है, पर ऐसा जमेगा काम और पढ़ाई साथ साथ में? मेरे सामने हमारी इंस्पिरेशन साक्षात बैठी हुई, जो घर बच्चे टिफिन कॉलेज सब संभालती है। मैं अगर ये दो काम ना संभालता हूं तो लानत है मुझ पर। पर अब थोड़ी लंबी और ऊंची छलांग मारनी पड़ेगी मम्मी। मैं थोड़ी रिसर्च करता हूं, देखता हूं क्या होता है। मुझे पटोड़े का काम नहीं है क्या? अरे दिमाग से निकल गया। थैला किधर है पटोड़े का? हाँ? अंदर होगा। पटोड़े का थैला तो मैं कॉलेज में भूल गई। अरे आज मुझे काम पूरा करना था, पटोला लौटाना है करावती बहन को। हाँ ठीक है, पैनिक मत हो तू। चल मम्मी मैं बाइक निकालता हूँ, सिक्योरिटी वाले तो होंगे ना कॉलेज में? हाँ हाँ चल ट्राई तो करिए। हाँ जय अम्बे माँ, जय अम्बे।
भाई मेरा एक बैग अंदर रह गया है। सॉरी मैडम, कॉलेज तो बंद हो गया। अरे भाई एक बैग ही तो लेना है, बहुत जरूरी बैग है। भाई आपकी बात तो बराबर है, लेकिन क्लासरूम अभी लॉक है और चाबी हमारे पास नहीं है, तो बैग तो आपको कल ही मिलेगा। अरे लेकिन भाई। वैसे आप टेंशन मत लो, आपका बैग कहीं नहीं जाएगा और उसमें से एक भी चीज इधर की उधर नहीं होगी। वैसे भी आके बच्चे रोज कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। नाम क्या है स्टूडेंट का? पुष्पा, पुष्पा पटेल। पटोड़े में ये मोटिव बहुत यूनिक लगा मुझे, इसलिए सोचा कि आपको दिखाऊं। भावनाएं बुनी है, यूनिक तो होना ही था। ठीक है सुरेंद्र जी, ये आपको कल मिल जाएगा कॉलेज खुलने से पहले। ठीक है सर। जमुना बेन, मेहता को बुलाना प्लीज। कांजी भाई, आप चले गए और आपकी कारीगरी पीछे जिंदा छोड़ गए। थैंक यू सो मच। आपने बुलाया साहब? ये देखो, अलग है। आज तक पटोड़े में ऐसी कारीगरी नहीं देखी। आपका आइडिया है साहब? इसे कारीगरों को दिखाओ और जल्दी वापस लौट आओ। फोटोग्राफ्स ले लो, डिजाइन रजिस्टर करवाओ और कम से कम 1000 कॉपीज बनवाना। महिलाएं बहुत कनेक्ट करेगी इसके साथ। परंपरा में भी नपातुला इनोवेशन तो हो ही सकता है ना? क्या पता कलेक्टर्स आइटम बन जाए। जाओ काम शुरू करवाओ। आइडिया का माल है और वो मुझे आता कमाल है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।